हेलो दोस्तों, पार्ट नंबर 5 में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, या फिर ये बोल सकते हो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 4 पार्ट हमने खत्म कर दिए हैं, ये आपका 5वां पार्ट है जो कि आपका आखिरी पार्ट है, यानी इसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद 1 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। वैसे तो मेरे को जहां तक लगता है कुछ चैप्टर के बाद कराऊंगा तो ज्यादा बढ़िया, बट अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उससे पहले ही इसको अपलोड कर दूंगा, 1-1 नंबर के क्वेश्चन साथ में। ठीक है ना? चलो तो फटाफट से खत्म करते हैं, छोटा सा जरा सा बचा हुआ है। स्वतंत्रता के समय आधारिक संरचना क्या थी? बच्चे, आधारिक संरचना की बात करेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ईवी बोल रहे ना बच्चे, ये है ईवीई। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको एव पढ़ते, बेटे एव नहीं है, ईव है। ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बताओ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले तो समझ लो क्या क्या चीजें आती हैं, रोड, रेलवे, टेलीफोन, ये सब चीजें जो है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनता है। क्लियर है? तो वही चीज मैंने यहाँ पे बताई है। मैंने कहा ब्रिटिश शासन के दौरान संचार यानी कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, और परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है, के क्षेत्र में कुछ कुछ ढांचागत विकास हुआ था। बट याद रखना, जितना भी विकास इन्होंने किया है वो सारा का सारा विकास अपने बेनिफिट के लिए था, इंडिया के मतलब इंडिया के लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं था, ये बात ये समझना। ठीक है ना? तो ब्रिटिश शासन के दौरान संचार और परिवहन के क्षेत्र में कुछ ढांचागत विकास हुआ था। ठीक है ना? जिसमें से पहले अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो उसमें लिखा हुआ है डाक और तार का विकास हुआ। अब ये डाक और तार क्या होता है? डाक मतलब पोस्ट, तार मतलब टेलीग्राफ्स। ठीक है, कम्युनिकेशन के काम आता है। तो ये दोनों दोनों कम्युनिकेशन जो साधन थे, इनका विकास किया गया। बट विकास किसके लिए किया गया? ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपना जो शासन है ना और ढंग से मजबूत कर सके, कुशलता जो है ना वो और निखर के आए। ठीक है ना? कुशल हो जाए शासन, अच्छा हो जाए। ठीक है ना? तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया गया। किसकी एफिशिएंसी को? ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रशासनिक था क्षमता, उसको बढ़ाने की कोशिश की, उसकी कुशलता को बढ़ाने की कोशिश की। नंबर 2, नंबर 3, देश के विभिन्न भागों से कच्चे माल को बंदरगाहों तक यानी पोर्ट्स तक, ठीक है ना, जहाँ पे पानी के जहाज आते जाते हैं ना, तो उनकी बात कर रहा है। तो देश के विभिन्न भागों से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए सड़कों का विकास किया गया। क्या किया गया? सड़कों का विकास किया गया। तो देखो क्या क्या हुआ। पहले केस में मैंने क्या कहा, ब्रिटिश शासन के दौरान संचार और परिवहन के कुछ क्या हुआ, विकास हुआ था, मैं कुछ ढांचागत यानी विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे। नंबर 2, डाक और तार को बनाया गया। डाक यानी पोस्ट और टेलीग्राफ्स आए, क्यों आए? ताकि ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाया जा सके। नंबर 3, देश के विभिन्न भागों से जो कच्चे माल जो को बंदरगाहों तक पहुंचाना था। अब हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाता था बाहर, वो तो पानी के रास्ते लेके जाता था ना, तो बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए, पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए सड़कों का विकास किया उन्होंने। क्या? कुछ सड़कों का विकास किया, और साथ ही बंदरगाहों के विकास के साथ साथ, देखो मतलब बंदरगाह तो बनाए बनाए, उसके साथ कुछ सड़कें भी बनाई, और साथ में रेलवे भी शुरुआत कर दी थी। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो इंडिया के लिए भी काफी अच्छी चीजें हुई है, जैसे ये बाद में इंडिया के काम ही तो आई है सारी, बट उस टाइम पे जितनी भी चीजें लाई गई थी, चाहे रेलवे हो, चाहे ये सड़क हो, रोडवे हो, या फिर आपके क्या है ये पोर्ट्स हो, ये सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपने बेनिफिट के लिए था। ठीक है ना? रेलवे 1953 में आ चुका था, सॉरी 1853, ठीक है ना, 1853 में रेलवे आ चुकी थी। ठीक है ना? मैं 1 नंबर के क्वेश्चन के टाइम पे इसको लिखवाऊंगा। अगला 4th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? 4th पॉइंट की अगर हम बात करें तो विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान करना। तो ये आपने शायद मेरा जो मनी वाला चैप्टर है आपने देख लिया होगा, मैंने आपको दूसरी बुक भी साथ साथ में करा रहा हूँ। मनी वाला चैप्टर वहाँ खत्म हो चुका है, और नेशनल इनकम के स्टार्टिंग के 4 चैप्टर मैंने खत्म किए थे, बट वो इस टाइम टर्म 1 में नहीं आ रहा, वो टर्म 2 में आ रहा है। तो कोई बात नहीं, हमने करके तो रख दिया ना, वो अगली बार आप फटाफट से उसको देख सकते हो। मनी ऑलरेडी हो चुका है, साथ साथ में बैंकिंग भी मैंने करवा दिया, याद रखना। मनी में वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं आ रहा आपका, बट आपको पढ़ना है, फिर भी पढ़ना है आपको, जितना मैंने करा आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके नॉलेज में होनी चाहिए वो चीजें। तो मनी बैंकिंग लगभग हो चुका है, याद रखना। विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली कौन सी प्रणाली होती है आपको पता ही होगा, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, वही होता था ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या करा, मौद्रिक प्रणाली में परिवर्तन कर दिया गया। यानी पहले हमारे यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, जिसमें वस्तुओं से वस्तु की अदला बदली होती थी, मुद्रा तो थी नहीं उस टाइम पे। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली को परिवर्तित कर दिया, यानी चेंज कर दिया। किसमें कर दिया? मौद्रिक प्रणाली में। इसका मतलब जो अंग्रेज थे वो मुद्रा लेके आ गए थे, यानी उन्होंने मुद्रा का निर्माण कर दिया था, मुद्रा की शुरुआत कर दी थी। अब मुद्रा अगर आएगी तो विनिमय यानी जो एक्सचेंज होता है वो क्या हो गया था? सरल हो गया था। क्या हो गया था? सरल हो गया था। बात को समझना, विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली से यानी जो हम जो एक्सचेंज करते थे, जो हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसको उन्होंने खत्म किया, क्योंकि वस्तु के बदले वस्तु को देना बहुत मुश्किल होता था। ये आप मुद्रा चैप्टर में और डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है ना?
उन्होंने क्या किया, उसको हटा करके मौद्रिक प्रणाली लाई, यानी मुद्रा को लेकर आए, जिससे कि विनिमय अब एक्सचेंज करना, विनिमय मतलब एक्सचेंज करना सरल हो गया। और साथ ही साथ श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम का विभाजन करना हो, ठीक है, या बड़े पैमाने पर उत्पादन करना हो, उसमें क्या मिलने लग गई थी, सुविधा मिलने लग गई थी, तो ये बेनिफिट हुआ आपको। तो ये चार पॉइंट आपको लिख के आने, किसके अंदर, आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल, ठीक है, के अंदर का आपको ये लिखना है, बात समझ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको ये लिखने हैं पॉइंट। आगे स्वेज नहर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बुक में होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपको पता करना है इसके बारे में, जितना मैंने लिखा है इतना काफी है आपके लिए, एनसीईआरटी में लिखी रहती है, इसलिए मैंने आपको भी लिखवा दी कि स्वेज नहर, जिसको इंग्लिश में स्यूज कैनल कहते हैं, ठीक है, ये 1869 में ओपन की गई थी, 1800 हिंदी में क्या कहते हैं, 69 बोलते हैं ना शायद, तो 1869 में इसको ओपन किया गया था, ठीक है। ये मिस्र यानी इजिप्ट में लोकेटेड है, लोकेटेड इन इजिप्ट, ये इजिप्ट में लोकेटेड है, जिसको हिंदी में शायद मिस्र कहते हैं, ठीक है, और स्थित है, जो कि देखो क्या एक कृत्रिम जल मार्ग है, कृत्रिम मतलब इन्होंने बनाया था, खुद बनाया था, ठीक है ना, और ये एक ऐसा जल मार्ग है जो कि लाल सागर यानी रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, बात को समझना, देखो इतना काफी समझने के लिए। स्वेज नहर जो था वो 1869 में आया था, मिस्र में ये स्थित है, यानी लोकेटेड इन इजिप्ट, इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहते हैं, एक बार चेक कर लेना, यानी लोकेटेड इन इजिप्ट, इजिप्ट में लोकेटेड था। साथ ही साथ ये कृत्रिम जल मार्ग है, कृत्रिम मतलब ये बनवाया गया था, ठीक है ना, ये पहले से बना नहीं था, आर्टिफिशियल वाटरवे है ये, क्या आर्टिफिशियल वाटरवे था, जो कि क्या लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, क्लियर है, किसके लिए बनाया गया था, ताकि व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, मतलब इंडिया जो ब्रिटेन के बीच में जो चल रहा था ना, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाना, वहां से क्या लेके आना, ये तैयार माल बना करके यहीं चेप देना, ठीक है, तो इसको सुविधा देने के लिए काम किया गया था, ये बनवाया गया था अंदर ही अंदर से, ठीक है ना। तो स्वेज नहर तक आप फटाफट से लिख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। तो बिल्कुल देखो अगला पॉइंट हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट भी लिखा है मैंने, कई बार पूछा जाता है चीजें। तो भारत में ब्रिटिश शासन के सकारात्मक प्रभाव, यानी ब्रिटिश शासन, देखो ब्रिटिश ने कोई भी चीज हमारे लिए तो किया नहीं था, बट उन्होंने जो अपने लिए किया ना, वो कुछ बेनिफिट हमें भी दे गया। जैसे जैसे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने देखो रेलवे बनाई तो हमारे काम आ रही है, रोड्स बनाई तो हमारे काम आई, वो पुल्स बनाए तो पुल भी हमारे काम आए, है ना, सब चीज। तो ऐसी कुछ क्या हुआ, उनके कुछ सकारात्मक प्रभाव पूछेंगे तो हमें बताना है, या सकारात्मक दुष्प्रभाव, यानी वो तो कुछ करना चाहते थे कुछ और हो गया कुछ और, एक तरीके से, है ना। तो इस तरह से एक तरह से सकारात्मक दुष्प्रभाव बोला जा सकता है, या सकारात्मक योगदान, यानी उनका कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, पॉजिटिव साइड इफेक्ट और पॉजिटिव और इम्पैक्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट बोल सकता है, पॉजिटिव साइड इफेक्ट बोल सकता है, और पॉजिटिव क्या बोल सकता है, कंट्रीब्यूशन। तो पहला देखो रोजगार के अवसर, रेलवे तथा सड़कों का विस्तार किया गया, आपको पता ही है रेलवे सड़कों का विस्तार हुआ था, उससे क्या हुआ, सामाजिक और आर्थिक विकास में, विकास के कई नए नए अवसर खोल दिए, यानी रेलवे और सड़कें जब बनी थी तो उससे सामाजिक और आर्थिक विकास होने लग गया था, और जब आर्थिक और सामाजिक विकास के अवसर आएंगे तो सीधी बात है लोगों को रोजगार के नए नए अवसर भी क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, यानी जिसके कारण लोगों को, लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर, लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होने लग गए, ठीक है ना। तो आप इस तरह से करिए इसको, तो रेलवे तथा सड़कों के विस्तार ने आर्थिक तथा सामाजिक विकास में कई नए नए अवसर खोल दिए, जिसके कारण लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर भी क्या हो गए, उत्पन्न हो गए थे, क्लियर। आगे चलते हैं, कुशल प्रशासनिक प्रणाली, आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रशासन करने की, शासन करने की जो क्षमता थी ना, बहुत गजब की थी, इसलिए उसने मैक्सिमम सभी देशों के ऊपर क्या किया था, उन्होंने राज किया था, ये आप भी जानते हो, है ना। तो अब जब ब्रिटिश ने हमारे यहाँ जब शासन किया था काफी लंबे टाइम तक, तो इससे क्या हुआ, हमें ना जो इंडियन पॉलिटिशियंस थे, यानी जो हमारे जो नेता वेता थे, इनको बन बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया था, ये समझ गए थे कि किस तरह से शासन किया जाता है, यानी इनके क्या हुआ था, रेडी रेफरेंस मिल गया था इनको, रेडी रेफरेंस बोल सकते, रेडी रैकनर भी बोल सकते, रेडी रैकनर या रेडी रेफरेंस, जो बन बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया था। तो वही लिखा, ब्रिटिश सरकार की जो प्रशासनिक प्रणाली थी ना, वो बहुत कुशल थी, बहुत अच्छी थी, एफिशिएंट सिस्टम था उनका, ठीक है। इसने हमारे राजनीतिज्ञ, जो हमारे नेता वेता थे, जो नियोजक थे, यानी जो प्लानिंग करने वाले बंदे होते थे, मेन ऊपर बैठे हुए थे ना, हेड मैन, प्लानिंग वाले नेता वेता, तो इनके, ठीक है, के लिए परिकलित, ठीक है, हिंदी बड़ी गजब की है वाली, परिकलित ये वर्ड, ठीक है ना, तुम्हारे बुक का ये वर्ड है परिकलित्र, ठीक है ना, इंग्लिश में काफी अच्छा है, रेडी रेफरेंस था या रेडी रैकनर बोल सकते हो आप। तो बन बनाया प्लेटफॉर्म, मैं ये बोलूंगा अच्छा वर्ड ये है, बन बनाया प्लेटफॉर्म दे दिया था, उसका काम किया था उन्होंने,
ठीक है ना। बाकी हिंदी बच्चे मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे वर्ड यूज होंगे तो परिकलित्र है ना, परिकलित्र, यस। चलो अकाल पर नियंत्रण। अब अकाल यानी कैसे, अब देखो कई कई बार क्या होता था ना, बारिश बारिश टाइम पे नहीं होती थी तो बहुत जगह, या फिर बहुत जगह सूखा वूखा पड़ जाता था है ना, या बाढ़ बाढ़ आ जाती थी, इससे ना बहुत सारी दिक्कतें होती थी, ठीक है। अकाल वकाल, भूख भूखमरी, ये सब फैल जाती थी, तो इस पर भी कंट्रोल होने लग गया। कैसे, क्योंकि अब तो रोड और रेलवे आ चुकी थी, तो देश के कोने कोने तक सामान पहुंचाएंगे, अब तो ये हो चुका था। तो यही लिखा हुआ अकाल पर नियंत्रण हो गया था। कैसे, ब्रिटिश सरकार ने यातायात के तीव्र साधनों के विस्तार से, ब्रिटिश सरकार द्वारा यातायात के तीव्र साधनों के विस्तार से सूखाग्रस्त यानी जो ड्रॉट्स वाले एरिया होते थे, ठीक है, उन क्षेत्रों में क्या हो गया, शीघ्रता से खाद्य सामग्री जो थी वो पहुंचने स्टार्ट हो गई, पहुंचाने जाने लग गई कि अब खाद्य सामग्री हम खाने की चीजें वहां पहुंचाएंगे जहां सूखा पड़ा हुआ है, जिसके कारण अकाल पर नियंत्रण होने लग गया। कोई बड़ी बात नहीं थी। चौथा पॉइंट, विनिमय की मौद्रिक प्रणाली। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था अभी कि यहाँ पे हमने क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली से अब इनको हटा दिया गया था और मौद्रिक प्रणाली को ला गया था, ठीक है ना। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली हट गई थी और मौद्रिक प्रणाली आ गई थी, जिससे कि श्रम विभाजन में भी बेनिफिट मिला, उत्पादन में भी बेनिफिट मिला, और विशिष्टीकरण मतलब होता है स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना, उसमें भी क्या हुआ, आपको बेनिफिट मिलने लग गया, ठीक है ना। नहीं, स्पेसिफिकेशन सॉरी, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में क्या हुआ, नहीं विशिष्टीकरण, यानी जब आप किसी चीज में क्या होते हो, विशिष्ट हो जाते हो, यानी स्पेशलाइजेशन में भी क्या हुआ, आपको बेनिफिट हुआ, डन। चलो, कृषकों का व्यापारिक दृष्टिकोण। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, फोर्स कॉमर्शलाइजेशन किया था एग्रीकल्चर सेक्टर का। ये मैंने आपको बताया था कि कृषि को जबरदस्ती व्यापार में घुसाया गया था, है ना, पहले वाले में पढ़ा था स्टार्टिंग में, एग्रीकल्चर वाले पॉइंट में, जो हम कृषि के जो पॉइंट्स पढ़े थे बहुत सारे। तो कृषकों का व्यापारिक दृष्टिकोण, ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि के बाध्यकारी व्यापारीकरण के परिणाम स्वरूप, उसके कारण क्या हुआ, खाद्यान्न उत्पादन में भारत अब आत्मनिर्भर हो गया था, यानी सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, खुद अपने पाँव पे खड़ा हो गया था भारत। इसके कारण वो ब्रिटिश सरकार की देन है वो भी, ठीक है ना। और इससे किसानों के दृष्टिकोण में भी क्या गया था, बदलाव आने लग गया था। वो समझने लग गए थे कि हमें जो है ना रेट कैसे तय करना है, किस तरह से हमें डिसीजन लेने हैं। यानी किसानों के दृष्टिकोण में भी क्या हो गया था, बदलाव आने लग गया था। तो रोजगार के अवसर दिए, कुशल प्रशासनिक प्रणाली, रेडी रैकनर हमें बन बनाया मिला, रेडी रेफरेंस हमें मिल गया था, अकाल पर नियंत्रण, विनिमय की मौद्रिक प्रणाली आ चुकी थी, अब मुद्रा आ चुकी थी, और कृषकों का व्यापारिक दृष्टिकोण, ठीक है ना। अब सिर्फ 2 मिनट का एक कॉन्सेप्ट और रह गया, उसको खत्म करके चैप्टर को क्लोज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट का टॉपिक ये रहा है, जनांकीय परिवर्तन या संक्रमण की अगर बात करें तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जनांकीय परिवर्तन, यानी आपकी जनसंख्या में किस तरह से परिवर्तन देखने को मिला, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने कवर कर दिया वो, कि देखो आपको मेन मेन पॉइंट क्या समझा रहा हूँ। देखो 1921 को अगर आपसे कोई बोलेगा, 1921 को क्या बोला जाता है, महाविभाजन वर्ष माना जाता है, पहली चीज, ठीक है। इसके अंदर आप ये पॉइंट्स लिखोगे, पहली बात कि 1921 को महाविभाजन वर्ष माना जाता है, यानी क्या, ग्रेट, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है ना। तो ये इसको बोला जाता है, इसको महाविभाजन वर्ष माना जाता है 1921 को। जब इसके बाद क्या हुआ, 1921 के बाद, यानी जब सन 1921 के बाद देखने को मिला है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। इसका मतलब यह हुआ कि 1921 से पहले जनसंख्या में वृद्धि बहुत, कभी बढ़ती थी तो कभी कम होती थी, कभी बढ़ती थी, यानी कम होनी, उतार चढ़ाव देखने को मिलता था, यानी बहुत दिक्कत थी। 1921 से पहले जनसंख्या में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखने को मिलता था, मगर उसके बाद से जनसंख्या लगातार बढ़ती हुई ही दिखी, यानी ऊपर की ओर जा रही है, यानी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आप इसको समझाओगे जैसे, फिर जनसंख्या में वृद्धि, जो जनगणना में वृद्धि, इसका मतलब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनगणना तो बढ़ेगी बढ़ेगी, सीधी बात है। तो राइज इन सेंसस, तो सेंसस भी हमारे क्या ना बढ़ने लग गया था। तो ध्यान से समझना, मैं बोलना चाहता हूँ, देखो ये पॉइंट आएगा, आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझने हैं। देखो 5 पॉइंट मेन मेन लिखवा रखे हैं इसमें। पहला पॉइंट क्या है, 1921 को महाविभाजन वर्ष माना जाता है, क्लियर। मैं इंग्लिश वाले बच्चों को भी इतना ही लिखवा था, टेंशन मत लो, ठीक है, यही लिखते हैं वो भी। तो 1921 को महाविभाजन वर्ष माना जाता है क्योंकि ये बुक के किसी बॉक्स में दिया हुआ है, ये कंटेंट का पार्ट नहीं, बॉक्स के अंदर का पार्ट है। मगर मैं ये बोलता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि 1921 को महाविभाजन वर्ष माना जाता है। नंबर दो, 1921 के बाद जनसंख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिली है, जिसके कारण जनगणना भी क्या हुई है, बढ़ने लगी थी, राइज इन सेंसस, क्लियर है, जनगणना भी आपकी ज्यादा देखने को मिली। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है, क्या हुई है, स्वास्थ्य सुविधाओं में भी वृद्धि देखने को आपको मिली है। अब देखो स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि मिली, साथ साथ में अवेयरनेस जो थी, यानी लोगों को पहले स्वास्थ्य सुविधाओं को पता ही नहीं था। देखो पहली बात तो क्या था, पहले स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं थी और उनके लिए अवेयरनेस भी नहीं थी, यानी अगर थोड़ी बहुत स्वास्थ्य सुविधा अगर रही भी होगी ना, तो उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता था, जिसके कारण लोगों को जब पता नहीं है तो बेचारे वैसे ही तड़प तड़प के या किसी भी कारणवश मर जाते थे, अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, क्लियर हो गया। मगर अब क्या, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि भी हुई, साथ साथ में उनकी अवेयरनेस को भी बढ़ाया गया, यानी जागरूक किया गया लोगों को कि देखो ऐसी ऐसी चीजें आ गई है, बात समझ आ रही है। तो पहले ना स्वास्थ्य सुविधा थी ना जागरूकता थी, अब तो स्वास्थ्य सुविधा में वृद्धि हो गई, जागरूकता में भी वृद्धि हो गई थी, क्लियर, ये देखने को मिला। साथ साथ
ये ध्यान रखना इस वाले पॉइंट को, ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। 1921 तक, यानी सन 1921 से पहले और वहां तक, जो जनांक की या परिवर्तन या संक्रमण जो था, ठीक है ना, उसका पहला चरण ये सोपान बोला जाता है उसे। क्या बोला जाता है उसे? पहला चरण, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब जनांक की परिवर्तन का पहला स्टेज माना जाता है 1921 तक, या ये बोल सकते हो 1921 से पहले यहां तक था। 1921 में चेंज हो गया था, उसको महाविभाजन वर्ष बोल दिया गया था, और उसके बाद उसको बोला जाता है दूसरा चरण। यानी 1921 के बाद अगर कोई पूछेगा पेपर में 1921 के पश्चात कौन सा चरण हुआ था, तो आप बोलोगे दूसरा। 1921 से पहले या 1921 तक कौन सा था, तो आप बोलोगे पहला चरण था। तो 1921 से पहले पहला चरण और उसके बाद दूसरा चरण। क्लियर है ना? बुक में ये भी लिखा हुआ 1921 तक, क्योंकि 1921 में ना एक क्या हुआ था, महाविभाजन वर्ष हो गया था, यानी वहां तक। अब उससे पहले वाले समय जाता तो पहला चरण, उसके बाद वाले समय जाता तो दूसरा चरण। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से ना? देखो कहीं कोई भी, मैंने मैक्सिमम देखा है कि इसके नोट्स कोई नहीं बनवाते, नेट इकोनॉमिक्स के सब बुक में बढ़ा के निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर नोट्स बना दिए। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जितने ज़्यादा बच्चे आप जोड़ोगे ना, मुझे भी खुशी होगी वीडियो बनाने में। ठीक है ना, इस चैप्टर को खत्म करते हैं, इसके अब एक नंबर के क्वेश्चन रह गए और साथ ही हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।